जबरन धर्मांतरण की कोशिशों को रोकने के लिए विधानसभा के सदन में पेश किए गए बिल को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यहां तक कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादयान ने बिल की कॉपी को ही फाड़ डाला, जिसके चलते रघुवीर कादयान को सत्र की शेष अवधि के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से निलंबित कर दिया। बजट सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री को क्यों विपक्ष को खेद व्यक्त करना पड़ा और क्यों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादयान को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित करना पड़ा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा से। जबरन धर्म परिवर्तन का जो बिल था इंट्रोड्यूस होना था, माननीय मंत्री अनिल विज जी ने वो इंट्रोड्यूस किया, तो जो कांग्रेस के जो साथी हैं उन्होंने उस पे अपना विरोध करने का काम किया और उस पे बोल सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जो कादियान साहब है, जो कई बार इस महान सदन के सदस्य भी रहे हैं और स्पीकर रहे हैं, उन्होंने उस बिल को फाड़ने का काम किया। इसके ऊपर जो है वो तमाम जो है हंगामा भी हुआ, और उसके बाद में जब उनको खेद व्यक्त करने के लिए कहा, तो इसको मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि जब इतनी बात थी और इतने सीनियर सदस्य है, और जबकि वो जानते हैं कि इस टाइप की उनको हरकत नहीं करनी चाहिए थी, जब इस बात पे विरोध जता रहे थे कि ये धर्म जो है, धर्म इसके बिल लाने की इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस टाइप की बात जब कांग्रेस के लोग कह रहे थे और उन्होंने कहा था कि इससे आप इसको ठीक नहीं करें, तो तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि ये बिल किसी को भी किसी के अगेंस्ट नहीं है, और या इसको इसको बड़े क्लियर ये है कि इस टाइप के मामले आए भी हैं कि लोग किसी लालच के अंदर, किसी को दबाव के लिए या कोई और लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं, तो उसके ऊपर ये रोक लगाई जाए, लेकिन किसी के ऊपर जबरन कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता या किसी को लोभ लालच दे करके वो परिवर्तन इस टाइप के नहीं करवाए जा सकते, केवल यही ये बिल कहता है, और अपनी मर्जी से कोई भी अपना धर्म जो है वो बदल सकता है, उसमें ये कहीं कोई रुकावट नहीं डालता। और ये जब बात कही कि आप लोग चाहे अपनी मर्जी से कोई भी आप जो है बदल सकते हैं, इस बात पे उन्होंने ऐतराज़ किया, तो ये सब उन्होंने वापस ले लिया, चलो मैंने आप लोगों के लिए कह दिया, क्योंकि आप लोग इस पे ऐतराज़ कर रहे थे, तो आप लोग कोई भी इसमें धर्म अपनी मर्जी से करना चाहे तो किसी को कोई रुकावट ये नहीं करता, यही बात कही थी, ये बात उन्होंने वापस ली थी। लेकिन जो रघुवीर कादयान जी हैं, उन्होंने उस बिल को फाड़ने का काम किया, वो भी ये जो है इस जो हमारा जो हाउस है उसकी मर्यादा के अगेंस्ट था, इसलिए उनको इस बात का लिए माफ़ी मांगने के लिए लिखा, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी, इसलिए उनको निलंबित करने का काम